ये ले रहा हूँ वीडियो ठीक है। आप फोटो लेते रहिए, फोटो मैं नहीं ले रहा। कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं और जैसा कि पोस्टर दिख रहा है आप लोगों को, शट डाउन एक नई फिल्म है, इसके बारे में हम अनाउंस कर रहे हैं, साथ में अपना पोस्टर भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो स्टेज पे इनवाइट करूंगा ऑफ कोर्स आवर टैलेंटेड डायरेक्टर हु हैज ऑलरेडी बीन टू सो मेनी फिल्म्स, गोताखोर, डैम ग्रेवयार्ड, हॉन्टेड हिल्स, दो अजनबी और अभी ये फिल्म शुरू कर रहे हैं सर। तो प्लीज एक बार स्वागत करिए हमारे डायरेक्टर सर संजीव कुमार राजपूत जी, प्लीज। प्रोजेक्टर बंद करो सर, प्रोजेक्टर ऑफ है भाई, प्रोजेक्टर ऑफ कर दो, पोस्टर से मुझे कुछ दिख रहा है, बंद कर दो प्रोजेक्टर, यू नो ऐसा कुछ है तो थोड़ा बहुत आप बोल देंगे फिल्म के बारे में, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर आप मीडिया पर सर। एक्चुअली जब हम लोग फिल्म बना रहे हैं तो दिख ही रहा है कि शटडाउन, शटडाउन जो वर्ड है वो लाइनमैन से कनेक्टेड है। एक्चुअली लाइनमैन एक जो है ऐसा बंदा जो कि आज शायद उसका काम खत्म हो गया क्योंकि सब कुछ अंडरग्राउंड, सारा लाइन अंडरग्राउंड, कोई कनेक्टिविटी उसके साथ नहीं है। तो ये जो पूरा कंटेंट है एक सिंगल बंदे के ऊपर और उसकी जर्नी के ऊपर है और रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है और ज़्यादा तो मैं स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता बिकॉज इट विल बी रिवील्ड। तो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है कि अभी ऐसा चल रहा है डॉक्टर्स के ऊपर लोग फिल्में बना रहे हैं, इंजीनियर्स के ऊपर बना रहे हैं, अभी फिजिक्स वाला उसके ऊपर फिल्म बने, तो देन वी आर प्लानिंग फॉर सम कि ऐसा नहीं है कि फोर्थ क्लास का बंदा कुछ होता नहीं है, देन वी आर प्लानिंग फॉर फोर्थ क्लास, वो एक लाइन मैन है और उसको हम लोग लेके आ रहे हैं अपनी फिल्म के अंदर और बहुत कुछ ऐसा उसके साथ हुआ और रियल स्टोरी है कि जिसको हम लोग यहाँ लोगों के सामने लाने वाले हैं, ऑडियंस के सामने लाने वाले हैं, उनको बहुत पसंद आने वाले हैं। साथ ही मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारी प्रोड्यूसर्स टीम में आदर्श जी, लाइक बाय द वे द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय अंजू जी जो कि यहाँ अभी प्रेजेंट नहीं है, तो मैं आदर्श जी को चाहूँगा कि स्टेज पर आए। वेलकम, थैंक यू, नमस्कार। जितने भी मीडिया हमारे आई हुई है उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं संजीव कुमार राज, उनके मैंने टैलेंट को देखा है, इनके साथ काम भी किया है, सीखा भी इन्हीं से हमने बहुत कुछ। अभी इसके पहले रिसेंटली अभी हमारी मूवी आई थी मनिहार, तो उसमें भी दिन रात इन्होंने मेहनत किया। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है शटडाउन, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अंजू लता जी और नम्रता सिंह जी नहीं आ पाई हैं किसी कारण से। तो ये एक ऐसी स्टोरी है कि इसको बताना अभी हम उचित नहीं समझेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रियल स्टोरी है और रियल स्टोरी के साथ में एक ऐसी घटना जुड़ी हुई है कि जो एक दिल दहलाने वाली घटना होती है। एक इंसान की सुबह से लेकर शाम तक की जो आवश्यकताएं होती है, जो काम करता है, वो चीज़ें वो कैसे मैनेज करता है उस चीज़ को, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें दिखाने वाले हैं। इसके साथ में क्या होता है कि अभी एक इंजीनियर स्टडी होता है, हमारे एक भाई साहब हैं उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे, इनके डायरेक्टर साहब को भी आना था लेकिन नहीं पहुँच पाए थे। तो वहाँ पे हम उस व्यक्ति से मिले थे और उसकी जो हमने पोजीशन और सिचुएशन देखी थी, तो हम लोगों ने उसी समय डिसाइड किया था कि इस व्यक्ति को हम आज हो सकता है कि कुछ कस्बे के लोग जानते हो या शहर के लोग जानते हो, हम चाहते थे कि उसको जो है पूरे देश के लोग जाने। तो वहीं पर हम लोगों ने अनाउंस किया था इसको कि हम लोग इस पर काम करने वाले हैं और आज वो दिन आ गया है जिसमें कि हमारे साथ में गुलशन मैन जी हैं, मैडम डॉक्टर एरिका जी हैं और साजी जी हैं, वो नहीं है हमारे पास में, कहीं छूट में बिजी हैं, मोहन कपूर जी हैं। तो इन सितारों के साथ में हम इस मूवी का जो है आज लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहदिल से स्वागत, आभार, धन्यवाद। अभी आदर सर के साथ ही मैं इन्वाइट करूँगा स्टेज पर आने के लिए हमारे को प्रोड्यूसर्स श्री जयंत पांडे जी और नितिन चतुर्वेदी, प्लीज वेलकम सर।
अच्छा सारी टीम हमारी इंट्रोड्यूस हो गई है, लेकिन जैसा कि जैसे मेरे हिसाब से माना जाता है कि फिल्म जो होती है ना, एक फिल्म बनते बनते मैं समझता हूँ 8-10 शादियाँ हो जाती हैं, हर दिन एक शादी होती है, एक दिन सुबह से शाम एक शादी। जैसा कि एक जैसे हम सभी लोग कहीं ना कहीं हमारा एक बैकग्राउंड रहा होगा तो सब लोग को गांव वगैरह के बारे में पता होगा। एक गांव में एक कोई आदमी अगर किसी के घर में शादी जब उसकी बच्ची होती है तो प्लान करता है यार मुझे शादी करना, तो उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई वो एक साथ लगा देता है, राइट। यानी कि पूरी लाइफ उसने किस चीज के लिए निकाल दी कि मुझे मेरे बच्चे की शादी करनी है, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। और यहाँ पर डायरेक्टर पता पड़ा कि कंटिन्यू है 10-10, 20-20 दिन कंटिन्यू शादियाँ करता है, तो इसी ये एक बहुत ही मल्टीटास्किंग काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता, बहुत बड़ा काम है। और शादी में चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो दूल्हा दुल्हन का होता है, तो मैं इसीलिए मैं अब तक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो सबसे खास और सबसे सब लोग के साथ में मैं एक बार स्टेज पर इनवाइट करूंगा हमारे मेन लीड ऑफ शट डाउन मूवी ऑफ कोर्स गुलशन नयन जी, प्लीज वेलकम सर, और निहारिका जी कम ऑन स्टेज प्लीज वेलकम। सो अभी इसी के साथ हम फिल्म के बारे में कुछ आप लोग जो भी पूछना चाहें टीम से मूवी शट डाउन के बारे में लोग आप स्टार्ट कर सकते। अरे फोटो ले ले, आप फोटोज ले लीजिए, आप फोटो ले लो। और ऐसी कहानी क्या है कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं शट डाउन, इसके सब स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर बुक टीम है, गुलशन नैन इसमें मेन लीड कर रहे हैं और अमेरिका मेन लीड फीमेल, और अपने आदर्श जी ये सब नीचे जी प्रोड्यूसर हैं। अभी जो फिल्म है शट डाउन, एक्चुअली ये वर्ड बहुत ही कॉमन था किसी समय पे, आज के टाइम में तो खैर न्यू जनरेशन तो नहीं जानेगी। और शायद लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू दे रहा था मनिहार के लिए तब भी शायद आप थे, तो अब भी मैंने कहा था हमने थोड़ा सा यूनिक कॉन्टेंट्स लेके आ रहा हूँ, कुछ ऐसे कॉन्टेंट्स जिनसे अभी आज के न्यू जनरेशन जो है कहीं ना कहीं रूबरू नहीं है। और शट डाउन से जुड़ा हुआ है लैंडमैन। लैंडमैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पहले किसी भी मोहल्ले, किसी भी गांव, किसी भी छोटे तबके के शहरों की जान होता था। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो टीवी चलाते थे, और हो सकता है कि टीवी पे कभी कभी कोई सीरियल आ रहा होता था और सडन लाइट चली जाती थी, वी वर वेटिंग फॉर दैट कि शट डाउन ले लिया, लाइट चली गई, तो वो लाइट डिसकनेक्ट को ही हम लोग शट डाउन कहते हैं। और शट डाउन एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिजली विभाग होता है उसकी तरफ से लिया जाता है, जब कहीं कोई रिपेयरिंग करनी होती है या कहीं लाइन टूट गई है उसको वापस से कनेक्ट करना है, देन वी टुक शट डाउन, वी टेक शट डाउन। अब इसी से जो जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जो हमारी फिल्म है वो एक व्यक्ति के ऊपर है जो कि लाइनमैन है पेशे से, और बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, वो कंज्यूमर से जूझता है बड़ी मुसीबतों के साथ में। और वो 2003 की कहानी है, एक्चुअली आपने देखा भी होगा कि जैसे टाइटल के नीचे लिखा हुआ है शट डाउन और एक डेट डली हुई है, वो डेट क्योंकि मैंने जब पोस्टर भेजा अपने स्टार कास्ट को भी भेजा गुलशन जी को, तो उन्होंने कहा सर ये डेट आपने ना गलती से गलत कर दी है, वो रिलीज डेट है 2023 होना चाहिए था, एंड यू मेड इट टू 2003। तो मैंने बताया एग्जैक्टली दिस इज आवर टाइटल, ये उस डे वो ये वो डेट है जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट की वजह से एक लाइनमैन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उसके पीछे क्या क्या रहा कि उस बंदे ने एक छोटी सी जो है चीज़ की वजह से और एक छोटी मिस्टेक की वजह से उस बंदे के पूरे हाथ चले गए, मतलब वो आज उसके हाथ नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव, प्रमोद उनका नाम है, बट उनके हाथ नहीं है, मतलब हाथ उनके कट चुके हैं। और वो फोर्थ क्लास लेवल का एक एम्प्लॉय था बिजली विभाग के अंदर, और लाइन पे 11,000 की लाइन के ऊपर काम करते हुए करंट का शॉक लगा और उसकी वजह से उनके हाथों में हाथ जल गए और हाथ काटने पड़े। तो उनकी पूरी जर्नी है इस फिल्म के अंदर, किस तरीके से उन्होंने पहले उनकी ज़िंदगी थी और हाथ कटने के बाद में कैसे अभी वो अब तक स्टिल वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सस्पेंस भी है, बहुत कुछ लोगों को देखने को मिलेगा, एक हटके कंटेंट है और मज़ा आने वाला है ऑडियंस को देखने। ओके गुलशन, कितनी तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लाइन मैन, कहीं कुछ कनेक्शन अगर गलत जुड़ गया तो गड़बड़ भी हो सकता है? और कनेक्शन तो देखिए, सबसे पहले तो संजीव जी से 2 साल से जुड़ा हुआ है,
जुड़ रहा था, जुड़ते जुड़ते रह रहा था, फाइनली अभी जुड़ा है। अर्थिंग अब मिल गया। अभी मिल गया, अभी पूरा लाइट आएगा। तो बेसिकली स्टोरी जो है बहुत ही अलग है जैसा इन्होंने बताया अभी तक। और बेसिकली यही है कि हीरो सिर्फ वही नहीं होता जो लाइमलाइट में आता है या हम देखते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के वर्कर्स हैं, सेकंड कैटेगरी के वर्कर्स हैं। हीरो हर इंसान अपनी लाइफ में एक हीरो ही है, तो हर जगह आपको मिल सकते हैं ऐसे हीरोज। तो ये उसी एक हीरो की कहानी है और बहुत ही अलग है और बहुत मैं आज तक जैसे रोल्स करता आया हूँ उनसे बहुत ही हटके है और मज़ा आएगा करने में। कितनी तैयारी कर रहे हैं इस किरदार को लेके? अभी देखिए कल ही मुझे सब पता लगा है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है। अभी बैठेंगे संजीव जी के साथ और करेंगे तैयारी शुरू। चलिए निहारिका, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे हमेशा से यही मन रहा था कि इस तरह के कैरेक्टर्स हो जो चैलेंजिंग हो और जो एक्चुअली में काफ़ी इंटेंस हो, जो आप रियल लाइफ में खुद से रिलेट कर पाए, अपने परिवार से रिलेट कर पाए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उन चीज़ों से रिलेट कर पाए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यू नो प्ले अ कैरेक्टर जिसको हर कोई रिलेट कर पाएगा। बिकॉज हम बेसिकली देखें इंडिया में तो मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कहानी ऐसी है जो हर मिडिल क्लास का इंसान रिलेट कर पाएगा, स्पेशली उन दिनों से जो जैसा संजीव जी ने बताया कि किस तरीके से लाइन मैन का काम हुआ करता था, बिजली किस तरीके से घरों में आती थी, शटडाउन वाली कहानी। सो वो सारी चीज़ें ना सिर्फ यंग जनरेशन के लिए इंफॉर्मेटिव होगा बल्कि उन लोगों के लिए एक यू नो एक रीलिविंग मोमेंट होगा जो लोग ऑलरेडी इस दौर से ऑलरेडी निकल चुके हैं। सो आई थिंक बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व है कहानी में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। तो कभी रियल लाइफ में लाइट घर का लाइट गया हो, शटडाउन हुआ हो, कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप उसको आपको हेल्प करेगा आपके किरदार को करने में इस फिल्म में शटडाउन में? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। आई मीन स्टार्टिंग में जब हम छोटे थे तो कभी नानी के घर जाना हुआ करता था तो वहाँ लाइट जाती थी, कहानी होती थी कि लाइट जाती है और बच्चे ऑब्वियसली गांव मतलब रूरल एरिया में कहानियां बनाया करते थे कि इतने बजे अंधेरा होता है और उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है। तो नई नई जो कहानियां बनती थी वो सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी, ऑब्वियसली फ्लैशबैक आता रहेगा और आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगा कि हाँ हमने भी वो शटडाउन देखा है कहीं ना कहीं बचपन में, एक दो बार ही सही बट देखा ज़रूर है। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प। संजय जी, अब तो लाइट 24 घंटा रहती है मेरे ख्याल से। यूपी की बात मेरे ख्याल से आप करना चाह रहे होंगे क्योंकि जहाँ नाम यूपी आता है वहीं अंधेरा दिख गया तो मतलब समझ जाओ यूपी है। गड्ढे नहीं सर, हाँ गड्ढे और लाइट अंधेरा दिखे तो समझ जाओ यूपी है जी। नहीं तो, नहीं अभी तो देखिए यूपी क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ और अभी पहले होता था कि जहाँ से गड्ढे शुरू होते हैं वहाँ से यूपी शुरू होता है और जहाँ आप अगर आपको जाते जाते रात हो गई और समझो कि अंधेरा शुरू हो गया, उजाला नहीं है रोड के ऊपर, समझ जाइए आपने यूपी के अंदर एंट्री कर ली। करेक्ट, तो यू आर वेरी राइट। मेरा कहने का मतलब वही था, आपने पकड़ लिया बराबर। जी जी, लेकिन अभी अभी बहुत कह सकते हैं कि अभी जहाँ से यूपी शुरू होता है वहाँ से गड्ढे खत्म हो जाते हैं और जहाँ यूपी शुरू होता है वहाँ लाइट शायद हमेशा ही रहती है। क्योंकि मैं अभी जाता हूँ कभी कभी, मैं मथुरा से हूँ तो जाता हूँ घर तो देखता हूँ लाइट ही नहीं जाती। मैं पूछता हूँ कि यार अब लाइट नहीं जाती? नहीं नहीं अभी तो लाइट जाती नहीं है। और स्पेशली अपने योगी बाबा तब से आए हैं तो उन्होंने तो इतना चीज़ें कर दी है कि अभी लाइट का जाने का मतलब ही नहीं है और गड्ढे तो होने नहीं चाहिए रोड, उन्हें पसंद नहीं। इन दोनों का कैसे चयन हुआ और कैसे जहन में आया किरदार को लेकर निहारिका और गुलशन के? एक्चुअली निहारिका को लेकर मैं पहले बोलूँगा कि जब मैं इस फिल्म को प्लान कर रहा था, ये काफ़ी हम लोगों ने शायद एक साल से हम लोग इसके ऊपर वर्किंग है और कई सारे जो हैं सिर्फ फिल्म का जो नींव है वो एक करेक्टर से नहीं रखा है और भी इसी डिपार्टमेंट के जो बिजली विभाग के लोग होते हैं उनसे मैं बहुत कनेक्टेड था, मेरे भी फैमिली से बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे। बट एक फंक्शन में मेरे को बुलाया गया, स्पेशली मुझे बोला कि यार आपको आना है और यहाँ हम लोग इस तरीके से एक डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को जिनके हाथ नहीं है, उनके हाथ कट गए और वो लाइनमैन हुआ करते थे, फोर्थ क्लास के लोग जो है भाई थे वो प्रमोद जी। तो मैंने कहा सर आई विल डेफिनेटली कम बट किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी एग्जामिनेशन किया कि हम लोगों को सीखना चाहिए इस चीज़ से कि यार हीरोज कि हम लोग समटाइम पीपल्स आस्क कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये हीरोज़ बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जो ऊपर से बन के आते हैं। देन आई डिसाइडेड कि मुझे इस फिल्म के ऊपर काम करना चाहिए और मैं इस पर काम करूँगा, ये सोचा मैंने। और एरिका का जब मैं मुझे लगा कि यार इस करेक्टर के अंदर क्योंकि उनकी पूरी जर्नी मैंने पढ़ी, उनकी पूरी लाइफ के बारे में मैंने जो है समझा, उस करेक्टर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर एरिका लगी। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस भेजे हुए थे बट आई डिसाइडेड कि नहीं ये करेक्टर इस करेक्टर के अंदर फिट है। और उसके बाद क्योंकि वो जो करेक्टर है
सिंपल सोर नहीं है, वो आज 55 साल की एज में भी विदाउट हाथों के ना होते हुए भी वो इतना बेहतर काम करते हैं कि जिनके हाथ हैं वो उतना बेहतर नहीं कर पाते जो कि बिना हाथों के इतना बेहतर कर रहा है। आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स थोड़ी देर बाद, हम लोग अभी स्क्रीन पे देखेंगे कि ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल डूइंग, मतलब लाइट का वो कि हम लोग डरेंगे यार वायर को छुएं कि नहीं छुएं, कैसे हाउ टू कनेक्टेड, कि हम उंगलियों के होते हुए ना ज्वाइंट नहीं कर सकते, वो विदाउट हाथों के कैसे ज्वाइंट कर रहे हैं। तो जब उनकी इतना मैंने देखा कि यार ये बंदे कितने, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ब्रेव है, और तो उसके लिए मेरे को ब्रेव करेक्टर चाहिए था, मैं एक ऐसा परफॉर्मर जो उसको बखूबी परफॉर्म कर पाए। तो गुलशन भाई मेरे से लास्ट 2 ईयर से जुड़े हुए थे और इन्होंने लास्ट फिल्म भी की, तो इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में मेरे को बताया कि इतना स्ट्रगल मैंने किया, क्योंकि इन्होंने अभी फिल्म की कैसे थे ईस्ट से लेके वेस्ट और वेस्ट से लेके नॉर्थ साउथ सब जगह इन्होंने शूट किया और टिपिकल टू टिपिकल लोकेशन पर इन्होंने शूट किया। तो आई वॉन्टेड कि मुझे ऐसे डेडिकेटेड एक्टर फॉर, मतलब चाहिए इस करेक्टर। तो गुलशन भाई आप तो चेहरे से लाइनमैन लगते हैं ना, आप तो एकदम कुछ वही कैसे, तो कैसे करोगे, वही तो करना है उसी में तो मजा है, जैसा तुम नहीं लगते वही तो करना है। नहीं, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा सर कि हम लोगों के अंदर पता है एक क्या है कि फोर्थ क्लास का और लाइनमैन ऐसा लगता है। नहीं नहीं, एक चीज ये क्वेश्चन रहता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन था आप लाइनमैन नहीं लगते, तो लाइनमैन होते कैसे, इंसान है, दे आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे लैंडमैन दिखा सकता हूँ, दे आर वेरी मॉडर्न इन रियल लाइफ। जब मैं छोटा था तो एक लैंडमैन ही थे, हम लोगों की एक्चुअली फैक्ट्री थी, आइस फैक्ट्री थी, तो कभी कभी होता था चोरी से लाइट चलती थी, तो एक बंदा आता था, उस टाइम पैशन बाइक चलती थी सर, तो पैशन बाइक पे वो आता था और थोड़ा बड़ा प्यारा सा टीका लगा के रखता था, लुकिंग हैंडसम, शायद मैं आई विल प्रेजेंट हिम जब मैं फिल्म करूँगा तो इस उनको मैं दिखाऊँगा, शायद अभी कैसे लगते होंगे आई डोंट नो कि ये अराउंड 20 ईयर्स होने को आ गए उस बात को, तब वो आते थे एकदम हैंडसम लगते थे, लाइनमैन थे, यहाँ प्लास लगाना एकदम दिखना कि यार ये क्या, मतलब हीरोइज्म उसके अंदर दिखता था। तो मैं कह सकता हूँ देखिए कि कोई भी बंदा किसी भी करेक्टर से, किसी फेस से कहीं हम कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड करता है कि अगर इनफैक्ट ये इस लाइन में नहीं होते और हो सकता है इन्होंने उसके लिए अप्लाई किया होता तो लाइनमैन हो सकते थे, तो ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड करता है हम लोग क्या काम कर रहे हैं और काम के अकॉर्डिंग हम लोग फेस को डिसाइड कभी नहीं कर सकते, वो तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे हैंडसम लोग फोर्थ क्लास में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप हीरो ना वो फेल लगेंगे उनके सामने, और फोर्थ क्लास में दे आर जॉइनिंग इन फोर्थ क्लास, तो दिस इज नॉट की, और हम लोग बाकी तो पूरा प्रिपरेशन करेंगे ही, हां एक्टर है वो तो कुछ भी करेंगे। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये हमारे को प्रोड्यूसर हैं नितिन चतुर्वेदी जी, सर जयंत पांडे जी, और दो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, को प्रोड्यूसर वो अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो हैं हमारे साथ में ही और हमेशा साथ में रहेंगे, हैं जो एक नाम और है तुषार वर्मा जी और जय सिंह सोलंकी जी, ये हमारी पूरी टीम है और हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करने की और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसको आगे सराहेंगे और जितना अच्छा आप लोग दिखाएंगे उतना अच्छा वो दिखने वाली भी है। थैंक यू शेख। चतुर्वेदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप तो वाकई में बिजली विभाग के अधिकारी हैं, इसी से मेरा सब अपना बिजनेस है, पिछले 40 साल से मैं इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं। अरे वाह। और उसके बाद उसी सिलसिले में मेरे को ये मालूम है जो एक लाइनमैन होता है वो बिल्कुल बैकबोन होता है सब, इस डिपार्टमेंट का बैकबोन है, प्रॉब्लम फाइनली आप कहीं भी होगी कुछ भी होगी फाइनली उसी के लेवल पे आती है, उसे सॉल्व उसी को करना होता है, और ये एक अकेले आदमी की स्टोरी नहीं है, ये उन सभी आदमियों के जितने लाइनमैन है जिनकी जो कि परमानेंटली डिसेबल हो गए या जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये सब उन सबके को एक ऑनर है उन सबके लिए कि वो आए लोगों को मालूम पड़े कि क्या वास्तविकता होती है, एक अकेले आदमी की स्टोरी नहीं है, लेकिन उन सबके लिए हम कुछ कर नहीं सकते दिखा नहीं सकते, तो एक लेकर के मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या उनका रोल है जो आप लोगों की लाइफ में, जो आप लोग आराम से बैठे होते हैं एसी का मजा ले रहे हैं टीवी चला रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी का रोल है तो एक लाइनमैन का रोल है, ये बस इसी को दिखाने के लिए जब संजीव जी से मुलाकात हुई और इनके साथ डिस्कशन हुआ तो ये समझ में आई बात जो है कि सब इस, ये हम दोनों एक ही माइंडसेट था कि भाई इसके ऊपर आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए जो एक छिपे हुए हैं जिनके बारे में कोई लोग जानते ही नहीं है कि लाइनमैन, हम लोग तो बस ये जानते हैं लाइनमैन आएगा प्लास से बिजली जोड़ के चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है हम लोगों की जिंदगी में, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, हजारों लोग, ये हजारों लोग हैं और सैकड़ों लोग जो जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है, जो कि मर गए खत्म हो गए परमानेंटली डिसेबल हो गए, उनका कहीं कोई नाम नहीं आया कुछ नहीं आया, तो एटलीस्ट लोगों को मालूम पड़े कि वो लोग क्या है और किस तरह से, उसी को दिखाने का प्रयास है जो
आगे कोशिश कर रहे हैं संजीव जी के साथ। पांडे जी आप क्या कहना चाहोगे, कभी बिजली गई थी आप बचपन में? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी भी यहाँ बॉम्बे में नहीं है ओवरहेड लाइंस, मगर वहाँ पर ओवरहेड लाइंस हैं यूपी में, मैं भी यूपी को बिलोंग करता हूँ लखनऊ को, और लाइनमैन बहुत ही लोली पेड एम्प्लॉय है बिजली विभाग का, मगर उसको 24 घंटे ऑन टोज रहता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसकी अप्रोच होती है वहाँ पर पहुँच के, क्या डिफेक्ट है, क्या फॉल्ट है, उसको रेक्टिफाई करने का। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, उसकी स्ट्रगल कैसी है लाइफ में वो पूरा, और उसकी वाहवाह भी होती है जब लाइट आती है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब हम सब इन्जॉयमेंट इंटरटेनमेंट वगैरह सब कर सकेंगे। तो ये उसके ऊपर लाइफ है, हम लोग बहुत इसके बारे में फ्यूचर के बारे में बहुत ही फिल्म के बहुत ही पॉजिटिव हैं कि ये बड़ा अच्छा, एक तो मतलब ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी जैसे सोल्जर होते हैं वैसे ही लाइन मैन भी हैं, उनके लिए हम फिल्म डेडिकेट कर रहे हैं। थैंक यू। आप विकी को आप जी नमस्कार सभी को, सबसे पहले मैं संजीव सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, और बेसिकली मैं अपने जर्नी बताऊँ तो मैं एक लाइट मैन से स्टार्ट किया था फिल्म लाइन में, और आज मुझे एक ऐसा मौका मिला जो लाइन मैन का एक्चुअली कास्टिंग करने का मौका मिला, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये जो स्टोरी है मेरे गाँव से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे गाँव में कभी बाँस, आप जानते होंगे कि बाँस और तार से वो कनेक्शन हुआ करता, तो रात में जब कट जाती तो रात को भी फ़ोन करते तो लाइन में आते थे जोड़ने के लिए। बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा, हम एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे टीम के जरिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये कहाँ कहाँ पे शूट होने वाला है और कब कब जा रहे हैं आप शूट पे, और क्या तैयारी है शूट की? और ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, गाँव जब जाते थे तो रामायण देखने के लिए जब लाइन चली जाती थी तो तमाम गालियां मुझे निकलती थी कि अरे इसी टाइम को लाइन जाना था। बहुत तो, इतनी गालियां देते थे सच में, वो लिमिट क्रॉस कर देते थे, वो नहीं बोल सकते यहाँ, वो ऐसा होता था। और शक्तिमान के टाइम पे होता था एक्चुअली, रामायण के टाइम पे नहीं होता था, रामायण थोड़ा सा पहले हो गया था, शक्तिमान के टाइम पे होता था। अच्छा, इसका जो शूट है फिल्म का, ये हम लोग फतेहपुर सीकरी में करने वाले हैं आगरा के पास, और बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत पॉपुलर भी है आगरा। आगरा का भी हम लोग शूट दिखाएंगे फिल्म के अंदर, आगरा को भी हम लोग फिल्माएंगे। नहीं, सब्सिडी का देखिए, सब्सिडी तो अब योगी जी जब दे रहे हैं तो हम लोग देखे पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे तो हम लेंगे। हाँ, अब तो देखिए बिहार झारखंड तो सही है आपको, हम लोग बिहार में शूट कर लेंगे। आप बोलिए, अगर आपके ऐसे कोई जुगाड़ है तो हम लोग बिहार चलते हैं। अभी तो हम लोग एक्चुअली 10th से 10th of February से प्लानिंग कर रहे हैं, 10 से 15 के बीच में समझ बोले योगी जी नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई, हाँ यार बिहार को नहीं करते योगी जी, देखिए योगी जी को मैं बहुत जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली वी विल प्लान देयर, बट क्या है योगी जी मेरे लिए बहुत ऊपर है, और योगी जी की सब्सिडी की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे हैं। अभी भी मनिहार करके आया हूँ, और इससे पहले मैंने फिल्म स्टार्ट ख़त्म की थी दो अजनबी, वो तो हम लोगों ने इसी मंथ जो है लास्ट ईयर ख़त्म की थी, -4 में शूट किया था, आर्य बब्बर वगैरह सब लोग थे उसमें। तो अभी मैं हर स्टेट में शूटिंग करता हूँ ऐसा नहीं है, बट ये वहाँ की स्टोरी है ओरिजिनली, तो इसलिए हम लोग ये वहीं शूटिंग करेंगे। और जो स्पेशल ये वो वहाँ ये है कि जितनी लाइन्स हैं अभी ओपन लाइन्स हैं जिन्हें हम दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए से मैसेज भी जाएगा कि योगी जी तक की अभी जो ओपन लाइन्स हैं उन्हें भी अंडरग्राउंड कराया है। हाँ, ये फरवरी में हम लोग करने वाले हैं, और 10 से 15 नहीं नहीं अरे सर क्या बात कर रहे, माइनस में सर अभी तो सर आप कहाँ से हैं? मान लो छोड़ के रहते हैं हम, चलिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे हमारे